नमस्कार मित्रों, ये आप साउंड सुनिए बस पहले, तो बाकी की बातें बाद में होगी। दोस्तों, ये जो मधुर वाणी आप YDM 4 लोगों की सुन रहे हैं, ये लगभग मेरे कान तक लगभग 6 महीने बाद में ही पहुँची है। तो बहुत ही मधुर वाणी है मेरे लिए, तो और जो भी मीटर के प्रेमी हैं उन सभी के लिए बहुत बढ़िया आवाज़ है। तो दोस्तों, आज ट्रायल रन है हेरिटेज ट्रेन के लिए। तो अभी ये शंटिंग चल रही है, लीडिंग पावर है 6736। दोस्तों, अभी देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से बरसात बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी शंटिंग चल रही है, क्योंकि जो कोच लेकर जाना है और कुछ आगे लोकोमोटिव लगे हुए थे उन्हें पीछे किया जा रहा है। दोस्तों, शंटिंग इसलिए चल रहा है क्योंकि जो डीजल इंजन जाने वाला था वो 3 नंबर पे खड़ा हुआ था, उसके आगे 2 लोकोमोटिव और खड़े हुए थे। इस वजह से पहले 2 लोकोमोटिव को हटाया गया, उसके बाद में जो कोच इसमें लग कर जाना था वो कोच भी पीछे की ओर खड़ा हुआ था। इस वजह से पहले शंटिंग की गई और उसके बाद में वो कोच को पिट लाइन पे ले करके उसका एग्जामिन किया गया, उसे देखा गया, क्योंकि लगभग 6-7 महीने से ये ट्रेनें चली नहीं है, 6 महीने से ये ट्रेन चली नहीं है, इस वजह से एग्जामिन करना ज़रूरी है। उसके बाद में एग्जामिन किया गया, उसके बाद में ये ट्रेन अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। दोस्तों, एक ट्रायल रन चलाया जा रहा है आज इसको ट्रैक को देखने के लिए, जो एक YDM 4 लोको उसके साथ में कोच जाएगा और संबंधित स्टाफ के सभी लोग जाएंगे। उसके बाद में ये डिसाइड हो पाएगा कि ये फिट है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 6 महीने से कोई गाड़ियाँ नहीं चली है, तो इस वजह से पहले एक ट्रायल रन चलाना ज़रूरी है। तो उसी के लिए आज एक ट्रायल रन चलाया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी एक सिर्फ लोको गया था यहाँ से ट्रायल रन पे, आज एक कोच के साथ में जा रहा है, जो ARTARME होती है उसका एक कोच है ये। अभी इसका एग्ज़ामिन किया गया है वो कोच का, उसके बाद में वो फिट हुआ है, अब जाएगा यहाँ से। तब तक क्या आप एक ये प्रकृति का एक सौंदर्य देखिए, छोटा सा झरना पातलवानी स्टेशन के पास ही, और ये कालाकुंड जाने वाला रास्ता। दोस्तों, आप देख सकते हैं, अब ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है वहाँ से। दोस्तों, हेरिटेज चलाने के लिए पूरी तैयारियां तो पहले से कर ली गई थी सभी स्टाफ द्वारा, समय समय पर इनका मेंटेनेंस होता रहा है। उसके अलावा दोस्तों, ये जो लाइन होती है उसको फिट देखने के लिए एक ट्रायल रन चलाया जाता है, जो आज ये कोच लेकर के एक लोकोमोटिव कालाकुंड की ओर गया है, फिर वापस रिटर्न भी आएगा। तो दोस्तों, इसके बाद में जल्दी ये सौगात आएगी कि हेरिटेज ट्रेन इस डेट से चलने की चालू हो जाएगी। तो ये लोकोमोटिव नंबर है 6638। और दोस्तों, मेरे ख्याल से सुनने में ये आ रहा है कि 1 अगस्त से ये चालू हो सकती है हेरिटेज ट्रेन। तो जल्दी ये आज जो रन हुआ है ट्रायल रन, उसके बाद में ये सौगात मिल जाएगी हमें कि 1 तारीख से हेरिटेज ट्रेन स्टार्ट हो रही है। तो सभी जो कालाकुंड पातलपानी और नेचर प्रेमी लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, एक अच्छी सौगात है ये कि हेरिटेज ट्रेन पुनः स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, ये देखिए कालाकुंड की ओर थोड़ी ढलान है यहीं से, तो वो स्टार्ट होते हुए ढलान की ओर जाते हुए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पातलपानी जाने वाला रास्ता है, मैं यहीं से अभी ऊपर आया हूँ। किस तरह से वीडियो बनाने के लिए जाना पड़ता है, आगे और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, रास्ता तो है ही नहीं, पूरा कीचड़ कीचड़ में से होकर जाना पड़ता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।